सीखा मोहब्बत हो तो दगा कीजिएगा मुकर जाइएगा। वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कई, दिल ना लगाया हमने किस। गाइज वेलकम बैक हमारे एक और नए फ्रेश व्लॉग में। आई होप आप सब गाइज ठीक होंगे, अच्छे होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो हमारी राइड हो चुकी है स्टार्ट, तो हमें जाना है आज कॉलेज के साथ टूर पे। आगे देखेंगे वो कहाँ लेके जाएंगे, फिलहाल हमें अभी कुछ भी पता नहीं है हमें कहाँ जाना है। टाइमिंग है वहाँ पहुँचने की 7:45 और अभी हो चुके हैं 7:20। भाई साहब हमारे पास है 25 मिनट्स वहाँ पहुँचने के लिए, आगे क्या सीन रहता है कहाँ लेके जाएंगे। भाई साहब ये देखो कबूतर आ गया था सामने। आई होप टूर पे मजा आए और कोई अच्छी प्लेस हो। अभी तो इजीली हैंड रन टच हो रहा है और ये हमारा ली। भाई साहब बाल बाल बच गए थे, टायर स्लिप हुए थे लीन पे। भाई साहब क्या ही किस्मत थी, वरना आज ही के दिन होने वाले हैं ये सीन। और भाई साहब अभी टायर स्लिप हो रहे हैं, लीन करने का कोई फायदा है नहीं क्योंकि टायर स्लिप मार रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। और भाई साहब धीरे चलने में ही भलाई है, और वहाँ हो गया था आई थिंक बहुत ही ज़्यादा लीन, स्पीड भी बहुत थी, तो इसलिए बेहतर है धीरे ही चले। और इसके टायर्स वैसे है नहीं, जितना मैं कॉर्नरिंग कर रहा हूँ इतने टायर्स भी नहीं है इसके।
भाई साहब, इसलिए हम अभी धीरे ही चलेंगे। भाई साहब थोड़े से भी लीन पे टायर स्लिप कर रहे हैं, पता नहीं क्यों यार। सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी और उसके मेन पार्ट्स भी डिलीट हो चुके थे जो व्लॉग के मेन पार्ट्स थे, और किस्मत से वहाँ पे कंटेंट मिल गया था, वरना वो सारा व्लॉग ज़ाया हो गया था। और कमेंट करके ज़रूर बता देना वो वाला व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, क्योंकि मेरे हिसाब से तो वो बहुत ही टफ था मेरे लिए, क्योंकि उसमें जो सीन्स थे वो डिलीट हो चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने अपना बेस्ट दिया एक्टिंग में, और कुछ पार्ट्स रह भी गए थे एक्टिंग में। तो लो जी, हम पहुंच गए अपने कॉलेज, और ये भी बंद है। हम यहाँ करने के आए हैं यार। काफिराना सा है इश्क है या ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इधर से हवा। काफिराना सा है इश्क है या
गाइस अभी हम निकल चुके हैं कॉलेज से, उन्होंने हमें कॉलेज पे ही ड्रॉप किया और अभी हम यहाँ से वापस निकल चुके हैं। अभी लगभग टाइम हो रहा है नियर 7 PM और अभी हमें यहाँ पे एक दो काम वो हम निपटा के फिर यहाँ से चले जाएंगे घर और फिर हम आगे बता देंगे आपको क्या क्या सीन्स हुए वहाँ पे। और ये जो आप शॉर्ट्स देखने वाले हो बता देना कैसे हैं। मेरा वहाँ पे हेलमेट या माइक कुछ भी साथ नहीं था, मैंने सिंपली शूट किया अपने फ़ोन से, व्लॉगिंग कुछ भी शूट नहीं की लेकिन बस वीडियोज उठाए सिनेमैटिक शॉट्स और वही मैं डालने वाला हूँ अब। और ये फंस चुके हैं बुरे ट्रैफिक जैम में। ये यहाँ का रोज का सीन होता है ट्रैफिक जैम। छोटी बच्ची हमें देख रही है और भाई साहब ये देखो कहाँ से घुस रहे हैं, यही करते हैं असली जैम। अब यहीं पे गाड़ी खड़ी करके जाएंगे रोड पे ही। साइड से निकलते रहो गेप्स बना के, गेप्स ढूंढ के तभी कहीं पहुंच पाओगे, वरना देखो भाई साहब जैम कितना लंबा है, ऐसे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। और ये देखो दूसरा काम, उसके लिए रोड चेंज करके जाना पड़ेगा। देख रहे हो गाइस कहां कहां से जाना पड़ रहा है। क्योंकि यहां से बहुत ट्रैफिक जाम है इसलिए अब घूम के जाना पड़ेगा। कहाँ से निकलना पड़ रहा है ये चेक करो गाइस। अरे भाई साहब ने बंद कर लिया, ये काम सारा जाया हो चुका है। भाई साहब सुबह हमने R15 जो राइड की थी भाई साहब उसकी लीनिंग मतलब उसके टायर्स की ग्रिप कॉर्नरिंग क्या होती है उस पर, और भाई साहब उसका कंट्रोल उसकी ABS भाई साहब लाजवाब है। और जब हम सुबह निकले तो हम यहाँ से निकले, हमारा प्लान था पहलगाम या वेरीनाग कोकरनाग अश्वल,
लेकिन इन्होंने प्लान चेंज कर दिया था। वो फिर प्लान बन चुका था निशात शालीमार, ये दोनों प्लेस का और हजरत बल का। तो जब हम शालीमार पहुँचे, हम पहले शालीमार ही गए, वहाँ से स्टूडेंट्स ने प्लान बना लिया सारा भवरवन भी जाएंगे, तो भाई साहब वो प्रॉब्लम हो गई क्योंकि वहाँ पे भाई साहब थोड़ा भी मज़ा नहीं था। और फिर हम वहाँ से निकले, तो वहाँ से निकल के हम पहुँचे निशात। निशात में टिकट विकेट्स ले ली और अंदर गए। वहाँ हम घूमे नहीं, टोटली नहीं घूमे हमें, क्योंकि वहाँ हम बहुत थक चुके थे। और फिर हम बैठे थे ऐसे ही, ले रहे थे नज़ारा और फ्रेंड्स आपस में कर रहे थे बातें। और यहाँ पे हो चुकी है और टेकिंग स्टार्ट, क्योंकि बहुत ही लंबी लाइन है। और भाई साहब आई नो नाइट में कुछ भी व्यू नहीं आता, तो इसी के साथ हम करते हैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब जिसने कर रखा है वो फ्रेंड्स के साथ शेयर करे, जिसने नहीं कर रखा है भाई यार कर दे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ज़रूर सारा। और मुझे कमेंट में बता देना ये व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, बाकी यार सपोर्ट दिखाओ। फिलहाल हम अभी पहुँचते हैं घर, और आप सब बने रहिए हमारे साथ। और अभी हम पहुंचते हैं घर, और इसी के साथ करते हैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड। टाटा बाय बाय टेक।